हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट पीजीटी का सेकंड पेपर जो है, इंग्लिश पेपर सेकंड है। और सेकंड पेपर में हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 जो इंडियन पोएट्री है। ओके, करने वाले हैं इंडियन पोएट्री। तो आइए बात करते हैं। देखिए, द लोटस लिखा गया था तरु दत्त के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है और अच्छा है पोयम। और ये एक सोनेट है, आप लोगों को पता होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी है, वेरी वेरी मतलब वीवीआई है। व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ द सोनेट? लव केम टू फ्लोरा, ऐसे है सोनेट का नाम, लव। लव केम टू फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? गॉड है। लव क्या है? प्यार है, प्यार का जो भगवान है, या प्यार जो फ्लोरा को आता है। तो देखिए, पहला है ऑप्शन ए कंफ्लिक्ट बिटवीन लव एंड नेचर। नेक्स्ट है कंपटीशन बिटवीन फ्लावर्स फॉर सुप्रीमेसी। नेक्स्ट है द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। और नेक्स्ट है ह्यूमन इमोशंस एंड डिजायर्स। ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर है आपका। हु इज द राइवल्स फॉर द टाइटल ऑफ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन क्वीन अमंग द फ्लावर फ्लावर्स इन द पोयम? पहला ऑप्शन है द रोज एंड द डेजी। नेक्स्ट है द लिली एंड टूलिप। नेक्स्ट है द रोज एंड लिली। और नेक्स्ट है आपका यहाँ द डैफोडिल एंड ऑर्चिड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? और ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन जो आपका यहाँ सी होगा, ठीक है। राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। बोलता है व्हाट व्हाट डू पॉट्स सिंग अबाउट रिगार्डिंग द रोज एंड लिली इन द पोयम या इन द पोम? तो ऑप्शन आपका है पहला देयर लैक ऑफ ब्यूटी कंपेयर्ड टू अदर फ्लावर्स। नेक्स्ट है देयर क्लेम्स टू द टाइटल ऑफ द अनडिस्प्यूटेड क्वीन। नेक्स्ट है द देयर ठीक है फ्रेगिलिटी एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन। नेक्स्ट है आपका देयर इनडिफरेंस इनडिफरेंस टू लव एंड ब्यूटी। तो आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर बताइए? आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? और आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। राइट क्या हो जाएगा? बी। चलिए यानी बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 4। बोलता है हु स्पीक्स ए फ्लावर दैट कंबाइंस द क्वालिटीज ऑफ द रोज एंड लिली द लिली इन द पॉम? ऑप्शन है साइकी फ्लोरा क्यूपिड द बार्ड्स। बार्ड्स का मतलब भी होता है, बार्ड्स का मतलब जो कवि होता है पोएट्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ आपका हो जाएगा सी। ओके, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन है आपका यहाँ फोर, फोर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कलर, बोलता है व्हाट कलर डज लव इनिशियली चूज फॉर द डिजायर फ्लावर इन द पॉम। ऑप्शन है लिली व्हाइट, सनफ्लावर, सनफ्लावर येलो एंड रोज रेड और एज्योर ब्लू। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए सिक्स में, क्वेश्चन सिक्स है आपका यहाँ, क्वेश्चन सिक्स देखिए, व्हाट फ्लावर इज अल्टीमेटली चूजन बाय फ्लोरा इन द पॉम। ऑप्शन है रोज, लिली और डेजी लोटस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ लोटस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सेवन, और क्वेश्चन देखिए सेवन में आपका यहाँ क्वेश्चन सेवन है यहाँ पे क्या है, व्हाट डू द बर्ड्स सिंग अबाउट रिगार्डिंग द रोज एंड लिलीज क्लैम्स। ऑप्शन यहाँ है द रोज टावरिंग हाइट ऊंचा, द लिलीज फेल एंड रिगल अपीयरेंस। नेक्स्ट है रोजेज, जो रोज रोज स्वीट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है द लिलीज ठीक है वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट ठीक है वाइब्रेंट कलर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में आइए, क्वेश्चन एट है हाउ इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन द रोज एंड लिली पोर्ट्रेड इन द पॉम। ऑप्शन है हारमोनियस कंपटीशन, नेक्स्ट है एक्वाइटिक बैटल और एक नेक्स्ट है लिरिकल स्ट्राइफ, नेक्स्ट है एन इनडिफरेंट को एग्जिस्टेंस। तो राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ जो है सी हो जाएगा, ठीक है राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नाइन, व्हाट रोल डज साइकी प्ले इन द पॉम्स नैरेटिव। तो ऑप्शन है यहाँ पहला द आर्बिटर इन द फ्लोरा डिस्प्यूट, द गॉडेस, नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, नेक्स्ट है द स्पीकर एक्सप्रेसिंग इमोशंस, नेक्स्ट है द रूलर ऑफ द नेचर वर्ल्ड। आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आइए टेन में, क्वेश्चन टेन है व्हाट डज लव क्यूपिड रिक्वेस्ट ए फ्लावर कंबाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ द रोज एंड लिली। ऑप्शन टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन फ्लोरा एंड साइकी, टू सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ लव एंड डिस्प्यूट एंड ब्यूटी, द मतलब टू डेमोंस्ट्रेट द फ्लावर
डेमोंस्ट्रेट द पावर ऑफ लॉ ओवर नेचर टू क्रिएट ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अलेवन क्वेश्चन है, व्हाट डज द लोटस रिप्रेजेंट इन द पोम्स ऑफ पोम्स कंक्लूजन? द राइवल फ्लावर, द क्वीन, ठीक है, क्वीनली क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट कंबाइंस क्वालिटीज, द नेक्स्ट है द रिजेक्टेड फ्लावर, नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ इम्परफेक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, व्हाट क्वालिटीज डज लव इनिशियली रिक्वेस्ट इन द डिजायर्ड फ्लावर? पहला है डेलिकेसी ऑफ द डेजी, स्ट्रेंथ ऑफ द सनफ्लावर, डिलीशियस क्या है डिलीशियसनेस ऑफ द रोज, और एस्टिली, ठीक है, एस्टिलीनेस ऑफ द लिली, फ्रेग्रेंस ऑफ द लवेंडर एंड एलिगेंस ऑफ द वर्चिड। नेक्स्ट है वाइब्रेंसी, ठीक है, वाइब्रेंसी ऑफ ट्यूलिप एंड सिंप्लिसिटी ऑफ डैफोडिल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे चलते हैं तो आ जाता है हमारा 13, ठीक है, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लावर फैक्शंस इन साइकिस बावर? ए लिटरल बेटल फील्ड बिटवीन फ्लावर्स सिंबलाइजेस द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन साइकी, रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव पावर ऑफ ऑल फ्लावर्स, सर्व्स एज ए मेटाफोर फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 14 में आइए। 14 है, व्हाई डज लव चेंज द कलर प्रिफरेंस फॉर द डिजायर फ्लावर? ऑप्शन है टू कंफ्यूज फ्लोरा, नेक्स्ट है ड्यू टू साइकी इंटरवेंस, नेक्स्ट है चेंज ऑफ पर्सनल प्रिफरेंस, नेक्स्ट है डिजायर फॉर ए मोर वाइब्रेंट ह्यू कलर। तो आपका राइट यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, हाउ डज द पोम डिपिक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ चूजिंग द फ्लावर्स कलर? तो ऑप्शन है क्विक एंड डिसिसिव
लेंथी एंड इनडिसिसिव और ठीक है, क्योटिक डिसऑर्गेनाइज्ड, नेक्स्ट अब्सेंट फॉर फ्रॉम द पोम्स नैरेटिव, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। व्हाट डज द पोम